ओके तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरह का एडिटिंग करने वाला है जो कि HDRCC है। तो इस तरह का जो वीडियोस होती है इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि मैंने देखा तीन चार वीडियो ऐसे जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, लाखों में व्यूज़ है। सो अगर आप लोग भी चाहते हो अपने अकाउंट को ग्रो करना तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ग्रो कर सकते हो इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करके। तो एकदम सिंपल सा एडिटिंग है, एकदम मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सिंपल से जस्ट क्लिक करोगे आपका वीडियो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए आप लोग बेसिकली एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी और एक ऐप की जो कि है अलर्ट मोशन, ठीक है ना। बस ये दो चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर अलर्ट मोशन का वो वाला वर्सन डाउनलोड नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। सो अब वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहीं सबसे पहले आप लोग अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, एकदम मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बता रहा, ध्यान से देखो। और यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग समझ रहे हो ना, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा लो है। तो 720 पिक्चर में देखो आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर प्लस वाले को टैप करना है, यहाँ पर आप लोग 9:16 चूज कर लेना है क्योंकि ये बेसिकली रील्स वगैरह टिकटॉक वगैरह जो था वही है, ठीक है ना। क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करो, उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्लस वाले को टैप करना है। और ये सब तो आप लोग अगर अलर्ट मोशन चलाएंगे तो आप लोग को पता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग खुद का वीडियो ले लेना है। तो लाइक यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरा खुद का वीडियो नहीं है, मैं किसी गर्ल्स का ले आया हूँ ताकि परफेक्ट लगता है देखने में गर्ल्स का ही, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो जैसे कि यहाँ पर वीडियो लेने के बाद यहाँ पर प्लस वाले को टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोग को सेव वाला ऑप्शन पे यहाँ पर एक सेव लेना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैंने इस तरह का सेव लिया है। अब इसका जो कलर है वो मैं कुछ इस टाइप का रख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कलर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला कलर रखना है। उसके बाद आप लोग क्या करें, यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद जो है इसका जो मतलब सेव का पूरा फिल कर देना वीडियो में। देन यहाँ पर जैसे ही फिल कर देखो, उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखा जाएगा, यहाँ पर जैसे देख सकते हो। देन पर क्लिक करोगे तो ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस का ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो अपन का वीडियो कुछ इस तरह का आ जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर 100% है, अपन यहाँ पर 100% नहीं रखेंगे, अपन यहाँ पर कम से कम 60-65 इस तरह का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 66 तक रखा है ताकि वीडियो परफेक्ट मैच हो सके और HDRCC जैसा ही लगे। तो आप लोग यहाँ पर जो मैंने सेव लिया है यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन दिखा देगा इफेक्ट का, देने पर क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर राइट साइड पर कॉर्नर पर सर्च का आइकन दिखा देगा, देने पर क्लिक करो। उसके बाद आप लोग सबसे पहले लिखना है कॉपी, कॉपी बैकग्राउंड सबसे ऊपर में आ जाएगी, देने पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग यहाँ पर क्लिक करना है और अपन का जो है वो बैकग्राउंड यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है, ठीक है ना। तो अपन का एक बैकग्राउंड सेटिंग हो चुकी है। फिर से आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है, फिर से इफेक्ट पे जाना है एंड यहाँ पर फिर से राइट साइड पर टॉप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग अब लिखना है। अब करने के बाद यहाँ आप लोग लिखना है गॉसियन ब्लर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर गॉसियन ब्लर आ जाएगी, देने पर क्लिक करो। उसके बाद फिर से यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करो। उसके बाद फिर से और एक स्टेप डाला है एड इफेक्ट, फिर से यहाँ पर क्लिक। उसके बाद आप लोग यहाँ पर मेन जो है वो लिखना है कि एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर EX लिख देता हूँ, एक्सपोजर गामा आ चुका है, देने पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करना तो फिर से आप लोग स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना। बस अपन का तीनों इफेक्ट सेटिंग हो चुके हैं। अब वीडियो का आधा काम हो चुके, आप लोग खुद देख सकते हो। अब आप लोग क्या करना, देखो कॉपी बैकग्राउंड जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो मतलब यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन देख सकते हो, 0% था तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 3% कर देता हूँ, ठीक है ना, 2 या 3। उसके बाद फिर से बैक आना है, यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद फिर से इफेक्ट पर क्लिक करो। यहाँ पर गॉसियन ब्लर जो है अपन को यहाँ पर रखना है, इसको ब्लर ज़्यादा नहीं रखना है ताकि वीडियो अपन का फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वीडियो बीच में लाता हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे फेस को देखने में भी। तो यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा नहीं लग रहा हूँ, यहाँ पर इतना रख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर से आप लोग यहाँ पर क्लिक करो, फिर से इफेक्ट, उसके बाद एक्सपोजर एंड गामा जो लिखा है यहाँ पर आप लोगों को मैन काम करना है वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोजर जो रखना है वो आप लोगों को कम से कम माइनस में रखना है 60 यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो वीडियो, ताकि अपन का अच्छा लगे देखने में। तो 50-60 इस तरह का रखना है, 50+ ही रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 66 रख रहा हूँ ताकि वीडियो अपन का परफेक्ट लगे देखने में। उसके बाद नीचे है गामा, यानी यहाँ पर क्लिक करो और गामा को रखना है आपको कम से कम 0.8800, ठीक है ना, 800-820 इस तरह का रखना है। तो लाइक यहाँ पर मैं इतना रख रहा हूँ, इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना रखना है। उसके बाद ऑफसेट जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद ऑफसेट को आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का रखना है। तो कुछ इस तरह का बढ़ाना है, 0.180 इस तरह का रखना है, 20 इतना रखना। अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा कैसा लगेगा। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो देखो यहाँ पर अपन का वीडियो तैयार हो चुकी है, और ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर सेटिंग करोगे तो हो जाएगी आप लोगों का, बिकॉज यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो अपन देख सकते हो मैं अपन का जो वीडियो रेडी हो चुकी है। अब देखो अपन का वीडियो कुछ इस तरह का दिखने वाली है। सो अभी इस तरह का दिख रही है, और पहले कैसा था अपन का वीडियो, पहले ऐसा था और अभी ऐसा दिख रहा है। तो वीडियो देखो काफ़ी कमाल का लग रही है, और ज़्यादा सेटिंग करोगे और ज़्यादा अच्छे से करोगे तो आपका वीडियो और ज़्यादा कमाल का लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि देखो पहले ऐसा था वीडियो अपन का, मैं बिफोर और आफ्टर दिखा रहा हूँ आप लोग, और अभी जो अपन का वीडियो कुछ इस तरह कर चुकी है। तो आप देखो खुद, आप देखो मतलब कि वीडियो कौन वाला अच्छा लग रही है। इसमें HDRCC जो इफेक्ट है वो काफ़ी कमाल का लग रही है, और बंदी जो है वो काफ़ी
अच्छा देखने में, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को एडिट करोगे ना तो आपका 100% वीडियो वायरल जाएगी, ठीक है ना। सो अगर बीच में से कुछ भी पार्ट को समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देख लो, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और इस तरह से आगे भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।